हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि बेसिकली 10th क्लास है हमारी, और इसी 10th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व सेकंड। और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कल पढ़ रहे थे आपका प्रिंटिंग प्रेस का जो दौर है, मुद्रण का, कि कैसे जो छपाई का काम शुरू हुआ है। हमने चाइना और जापान की दोनों स्थिति को पढ़ चुका था, और आज हम लोग जो है बेसिकली यूरोप में जो आपका प्रिंटिंग का आना है, इसका दौर हम लोगों को पढ़ना है और हमको देखना है। क्लियर है? तो जो हमने कल सबसे पहले पढ़ा था, उसमें किसी बच्चे का कोई क्वेरी है? कौन बच्चा खड़ा होगा जो आपका माइक लेकर वो आपका चैप्टर को पढ़ेगा, जैसे हम लोग आपका कल पढ़ रहे थे? जी, ऐसी सभा वाला माइक ऑन करें। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है गुड मॉर्निंग आपका? ठीक सर। सर चंद्र त्रिपाठी। है त्रिपाठी जी, आप पढ़ना प्रारंभ करें। सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे थे। 11वीं सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते वहां पहुंचा। कागज ने कातिबों या मुंशियों द्वारा सावधानी पूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को नामुमकिन बनाया। फिर 1295 में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, चीन के पास वुड ब्लॉक काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। फिर क्या था, इतालवी भी तख्ती की छिपाई से किताबें निकालने लगे, और जल्द ही यह तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई। मुद्रित किताबों को सस्ती अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती वेलम या चर्म पत्र ही छपते रहे। व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे। किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों से निर्यात करने लगे। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे। बढ़ती मांग आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन तरीके सोचे गए। अब सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ सुलेखक या कातिब नहीं पाए जाते थे, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे। आमतौर पर एक विक्रेता के यहाँ 50 कातिब काम करते थे, लेकिन किताबों के अभाव बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय साध्य और श्रमय साध्य काम था। पंडुलिपियां अक्सर नाजुक होती थी, उनके लाने लाने ले जाने रख रखाव में तमाम मुश्किलें थी, इसलिए उनका सर्कुलेशन चलत गश्त सीमित रहा। तो किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तख्ती की छपाई उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता गया। 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे। जाहिर है कि किताबें छापने के लिए इससे भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की जरूरत थी। ऐसा छपाई की एक नई तकनीक के आविष्कार से ही संभव होता, जो 1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग में ने अंततः कर दिखाया। ठीक है, बैठ जाइए। शाबाश आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठे, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में क्या कुछ हो रहा था इस समय जो आपकी प्रिंटिंग थी। करें सदियों तक जो आपके आप देखते हैं कि सदियों तक क्या था, जो आपका चाइना है, चाइना से रेशम और मसाले जो है, रेशम एक मार्ग था, सिल्क रूट, मैंने आपको पढ़ाया है अगर आपने 8th क्लास में अच्छे से पढ़ा हो, और 9th में भी मैं आपको सिल्क रूट बताता हूँ, और वर्तमान में भी बहुत प्रचलित है। चलिए, सदियों तक क्या हुआ, चाइना से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते थे। तो
तो मैंने आपको सिल्क रूट की एक आपके चर्चा की थी, सिल्क रोड चाइना भारत से होते हुए, मध्य से एशिया से होते हुए, गर्भ कंट्री और खाड़ी तक होते होते कहां पहुंचता था आपका? आपका यूरोप पहुंचता था। 11वीं शताब्दी में चीनी कागज से उसी रास्ते पहुंचा। अब क्या थे? कह रहे हैं कि यही टाइम था जो कागज है वो भी इसी रूट से गया। कागज ने किताबों और मुंशियों द्वारा सावधानी द्वारा लिखा गया पांडुलिपि के उत्पादन को मुमकिन बना दिया। देखिए, जैसे ही अखबार सिल्क रूट के माध्यम से चाइना पहुंचा, तो पांडुलिपि आप जानते हैं क्या होती है, मैंने आपको बताई है। जिन चीजों को, जिन आपका जो आपके पेपर पन्ने होते हैं उनको हम लोग हाथ से लिखते हैं, क्लियर है, हम उसको बोलते हैं पांडुलिपि, क्लियर है। और ये पांडुलिपि क्या था? एक आपके होते हैं मुंशियों, आप जानते हैं हर क्या खाता भाई खाता रख, आपके लिखने के लिए कुछ लोग लगे होते हैं, क्लियर है। और बड़ी सावधानी से, केयरफुल तरीके से क्या हुआ, ये पांडुलिपियों को आपका तैयार किया गया। और ऐसी ये कहानी इसके साथ जोड़ के बताई गई है, ये शुरुआत कहाँ से है। तो कह रहे हैं कि 1295 ईस्वी में मार्को पोलो, याद रखिए, और मौका मिले थोड़ा सा गूगल करिए और पढ़िए मार्को पोलो के बारे में, क्लियर है। मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री ने चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौट गया। तो मार्को पोलो कहाँ का था आपको पता होना चाहिए, इटली का। कहाँ गया था? चाइना। किसके लिए? अपनी खोज करने के लिए। खोज इन द सेंस, एक समय था पहले वहां के राजा अपने दूतों को, कुछ लोगों को, किसी देश की संस्कृति, किसी राज्य की संस्कृति, उसका शासन, उसका प्रशासन, उसकी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए लोग अपने राजदूत भेजते थे, क्लियर है, ताकि आप जाइए, अपने लेखक अपने कवि को भेजते थे। अगर आप लोग इतिहास को जब अच्छे से पढ़ते चलोगे तो आपको चीजें समझ आएंगी और आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे कितने लोग भारत में आए हैं। देखिए, हिंसांग आया है, मार्को पोलो आया है, इंसांग आया है, वस्तनी आया है, मेगस्तनीज का जो पाप का राइटर है, क्लियर है, कल्हण ने आपकी रास तरंगिणी लिखी है, वो सब भारत में रह के आए हैं। और भारत की इतिहास, भारत की परंपरा, तौर तरीके, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, राजा, उनके कालक्रम, उनकी घटनाएं, उनकी युद्ध, हर चीज का बहुत अच्छे से विवरण किया है उन्होंने। और यही कारण है जो उन्होंने अपनी कृतियां लिखी हैं, जो अपनी रचना लिखी हैं, जिनके दम पे शायद हम लोग आज ही पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे ही एक यात्री है मार्को पोलो, कहाँ गए थे? चाइना। कब? 1295 में। और कह रहे हैं खोज करने के बाद इटली वापस लौटा, जैसे ही अपने ऊपर पढ़ा कि चीन के बाद आपके वुड ब्लॉक यानी कि कांच की तख्ती आज आपके सामने नहीं मिलती, लेकिन आप अगर 2005 से पहले देखोगे या 3 से पहले, लगभग लगभग जब सर्व शिक्षा अभियान आपका शुरू हुआ था, सब बच्चे स्कूल जाएंगे, तो आपके स्टार्टिंग में तख्ती मिलती थी लकड़ी की, उसको मुल्तानी मिट्टी से आपका लेप करना होता था और उस पर आप चौक के माध्यम से या इंक या स्याही के माध्यम से लिखते थे। उसी तख्ती की बात कर रहा है, ऐसी तख्तियां होती थी जो आपकी लकड़ी की, जो कांच का मतलब है लकड़ी से, क्लियर है, लकड़ी की बनी होती थी। तकनीकी पहले से मौजूद थी, मार्को पोलो का यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौट गया। और क्या हो गया, ये पूरी टेक्नोलॉजी को कहाँ ले गया, उनने सीखा कि कैसे तख्ती बनती है, कैसे उस पर लिखा जाता है, उसको ले गया, क्लियर है। फिर क्या हो, क्या था, इतावली भी तख्ती पर छपाई से किताबें निकलने लगी और जल्द ही यह तकनीकी बाकी यूरोप में भी आपका फैल गई। अब देखिए, पहले आपके आपके सामने आया था मोबाइल, और मोबाइल का प्रयोग क्या था, केवल फोन करके बातचीत करना, लेकिन उसमें नई नई तकनीकी, नई नई खोज होने लगे, तो बहुत सारी सोशल साइट आपके पास पहुंच गई। आज देखिए उस तकनीक का ही दौर है कि आज हमारे पास हजार ऑप्शन हमारे सामने मिले हुए हैं, हम बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कहीं मैसेज, कोई संदेश, सब हमारे पास आपका अच्छे से आपका पहुंच जाते हैं। क्लियर है। अब कह रहे हैं कि मुद्रित किताबों को सस्ती और अश्लील मानने वाले कुलीन वर्ग, भिक्षुओं संघों में के लिए छपने वाली किताब विलासी संस्करण अभी भी बेस कीमती यानी के वैलम या चरम पत्र ही छपते थे। लोगों को मानना था कि जो आपकी किताबें हैं वो अश्लील हैं, अच्छी नहीं है, पता नहीं क्या क्या छपते हैं, बहुत भिक्षु द्वारा जो आपकी ये चीजें छपी हैं सब आपका विलासिता यानी कि आपके मनोरंजन का साधन है। जब भी कोई चीज हमारे समाज में नए रूप से आती है, चाहे वो आपका तकनीकी हो,
तो हम लोग उसकी आपकी पॉजिटिव चीजें अच्छी नहीं देखते, ज्यादातर उसकी नकारात्मक जो चीजें हैं उनको बाप का पहले देखते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से ये सारी चीजें बाप का फैलने लगी और कह रहे कि उस समय जो आपके व्यापारी थे, जो आपके ट्रेडर थे, जो आपके विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ते थे, अब उनको सस्ती किताबें मिलने लगी, क्योंकि जब आपका प्रिंटिंग होगी तो तकनीकी रूप से काम किया जाएगा और शायद आसानी से हमको चीजें प्राप्त हो जाएंगी और आसानी से मिलेंगी। तो आसानी से मिलेंगी तो हमारे पास आसानी से उनकी पहुंच यानी कि जो उपलब्धता है वो भी आसानी से बढ़ेगी। किताबों की मांग बढ़ने के साथ डिमांड आने लगी कि अब लोगों को किताबें पढ़नी है। साथ साथ यूरोप भर में पुस्तक विक्रेता भी विभिन्न देशों से निर्यात करने लगे। जैसे ही यूरोप में किताबों की मांग बढ़ने लगी, जब किताब छपना शुरू हुआ, उस समय अगर किसी के घर में कोई बुक है उसको बड़ा एलीड यानी कि अमीर माना जाता था कि इनके घर में कोई बुक रखी है। तो इसी तरह से यूरोप में बड़ी बुक की डिमांड बढ़ गई। अब सारी किताब वो लोग नहीं छाप सकते थे तो उन्होंने और देशों से क्या किया, निर्यात। निर्यात का मतलब होता है आप जब दूसरे देशों से अपने यहाँ कोई आपका वस्तु मंगाते हैं, कोई व्यापार करते हैं, उसको बोलते हैं निर्यात। यानी कि दूसरे देशों से अपने देश में वस्तु मंगाने को हम लोग क्या कहते हैं, निर्यात बोलते हैं। तो क्या किया उन्होंने, जो किताबें हैं उनका निर्यात किया और अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे। काय के मेले लगने लगे, पुस्तक मेले लगने लगे। क्लियर है? अभी पूरे भारत में सबसे बड़ा पुस्तक मेला कहाँ लगता है, आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, बताइए आप मुझे कल ढूंढ के कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तक मेला कहाँ लगता है। क्लियर है? अगला है, बढ़ती मांग की आपूर्ति एवं हस्तलिखित पांडुलिपि के उत्पादन के बाद नए तरीके सोचे गए। अब जिस तरह से हम लोग यह हस्तलिखी जो आपकी पांडुलिपि का जो अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब कुछ नया पैटर्न हमको सोचने की आवश्यकता है। आप सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ सुलेखक या आपके किताबें नहीं थी बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे थे जो आमतौर पर एक विक्रेता के यहाँ 50 काविते कामिल थी। अब चीजें अलग थोड़ी सी यूरोप में हो रही थी लेकिन किताब की आभार बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपि को आपका पूरा नहीं होने लगी थी। यानी कि जिस तरह से यूरोप में किताब की मांग बढ़ रही थी और जो हाथ से लिखी किताबें जो कांच वाली थी वो उसको पूरा नहीं कर पा रही थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला था। अगर आप किसी की नकल करते हैं, किसी की आपका कॉपी बनाते हैं, मान लीजिए आपका क्लास का नोट है, अगर मैं आपको कोई 40-100 पन्ने किताब आपको बनाने के लिए दे दूं तो पहली बात तो उसको खरीदना, उसके पेन पेंसिल उस समय के जमाने में आज भी बहुत महंगा, फिर समय बहुत लगता, समय साध्य था और श्रम साध्य का काम था यानी कि मेहनत बहुत लगती थी। आज भी अगर आप किसी की कॉपी को कॉपी करते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए सबसे पहले तो उसकी लिखावट को समझ आना चाहिए, उसके सेंटेंस के मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, चाहे भले ही आपकी क्लास का क्यों ना हो, पर उसको पूरा करने में समय बहुत लगता है और समय के साथ आपका जो श्रम है, जो आपकी मेहनत है, वो बहुत ज्यादा खर्च होती है। क्लियर है? पांडुलिपियां अक्सर नाजुक होती है। नाजुक का मतलब है सेंसिटिव, पन्ना फट ना जाए, कुछ इंक ना फैल जाए, स्याही दाएं से बाएं ना हो जाए। क्लियर है? इस तरह से, और उनको लाने ले जाने का रखरखाव तमाम मुश्किलें थी। अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है और बाप का रखरखाव, रखरखाव इन द सेंस की अगर बारिश में भीगी तो खराब हो जाएगी, उनमें आपका दीमक लग सकती है, सड़ गल सकती है, इस प्रकार उनका रखरखाव भी क्या था, बहुत ज्यादा कठिन था। ठीक, इसलिए आप क्या कह रहे हैं, सर्कुलेशन यानी के चलन गश्त समिति रहा। किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यानी के तख्ती की छपाई उत्तर तय लोकप्रियता हो गया। 15वीं शताब्दी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते, छोटी छोटी बात के टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र भी छापे जाते थे। यानी के तख्ती पर, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, जब आपका लेक्चर था इसी में बल्कि, कि हम लोग क्या करते थे, लकड़ी पर हम लोग बाप का डिजाइन बनाया और चाइना में आपकी स्याही बन चुकी थी, उस तख्ती के डिजाइन को हम लोग बाप का स्याही में दबाते थे, कपड़े पर या किसी किताब पर उसको इस तरह से छाप देते थे और पूरा उसकी छपाई हमारे पास मिल जाती थी। तो स्टार्टिंग में जो आपका मुद्रण था, जो प्रिंटिंग थी, वो कुछ इस प्रकार की थी। क्लियर है? जो हमको मिलती थी बाप का देखने के लिए। ठीक, आप कह रहे जाहिर है यानी कि सब जानते हैं
कि किताबें छापने के लिए इससे भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीकी की आपका जरूरत थी, यानी कि जिससे किताबें तेज छपें, सस्ती हों और कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हमको जरूर मिले। ऐसी छपाई के लिए नई तकनीकी के आविष्कार से ही संभव था कि कुछ आपका ऐसी नई तकनीकी आए और उसी के आविष्कार जो आविष्कार हो उसी संबंध हो सके। 1430 के दशक में सेंट वर्ग के यूहान गुटेनबर्ग ने अंततः आपका कर दिया, और जिस तरह की हम प्रिंटिंग चाह रहे हैं इस जगह पर ये प्रिंटिंग आपकी आ भी गई। कहां पर आई है? देखिए, गुटेनबर्ग और आपका प्रिंटिंग प्रेस। कह रहे हैं कि गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती के लिए एक बड़ी रियासत के पाल बढ़कर बड़ा हुआ, यानी कि अच्छी फैमिली से आपका बिलोंग करते थे और जो उनकी पढ़ाई लिखाई यानी कि जो भी हुआ उनका पालन पोषण बहुत अच्छी फैमिली हुआ। वह बचपन से ही तेल और जैतून परेसने की मशीन को आपके प्रोसेस जो थे उनको आपके देखते आए हैं। बाद में उन्होंने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनहरी और अंत में शीशे की इच्छित आकृतियों में गढ़ने और महारत हासिल करने लगे। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कारों के लिए किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग का मॉडल या आदर्श बना, और सांचे का उपयोग अक्षरों की धुनाई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक आना यहाँ तक के लिए मुकम्मल कर दिया और उसने पहली किताब छापी। वह बाइबल करीबन 180 प्रतिलिपि यानी कि 180 पन्ने की उन्होंने पहली बुक छापी थी, और उसने 3 साल लगे जो उस समय की हिसाब से काफी तेज था। आप सोच के देखिए, 180 पन्ने की प्रतियां छापी। प्रति का मतलब होता पेज या पन्ना, कितने का? 180 का। और कितने साल लगे उस समय में? आपके 3 साल लगे। क्लियर है? और हिसाब से जो था उनके हिसाब से काफी तेज था। तो ये पहला एक दौर था प्रिंटिंग का, उसके इतिहास का, कि कैसे उसकी बुक छपी और कैसे उसकी आपका छपाई। अब देखिए, पर यहाँ नई तकनीकी हाथ से किताब छपने की तकनीक की जगह पूरी तरह से नहीं ले पाई, यानी कि जिस तरह से हम सोच रहे थे कि जो हाथों से किताब छप रही थी उसकी जगह ये आपके आपके जी शिफ्ट हो जाए, लेकिन ऐसा आपका नहीं हो पा रहा था। चलिए, यहां से कोई बच्चा खड़ा हो माइक लेकर आपका और चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करें, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। जीआईसी पटलोट, आप ही खड़े हो जाइए, कोई भी एक बच्चा। जीआईसी पटलोट, कौन बच्चा खड़ा होगा माइक लेकर जो आपका चैप्टर को पढ़े? चलिए, शुरू शुरू में तो छपी किताबें भी अपने रूप रंग साज सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपि जैसी ही दिखती थी, यानी कि स्टार्टिंग में जो आपकी नई किताबें छप रही थी वो कैसी थी? जो हस्तलिखित आपकी किताबें थी उन जैसी ही थी। धातुई अक्षर का, हाथ का, सजावट शैली का अनुकरण करती थी, यानी कि जिस तरह से हाथ की सजावट थी उसी के अनुसार ये आपका ऐसी दिखने वाली किताबें थी। क्लियर है? हाशियारे पर फलती फूल पत्तियों के डिजाइन बनी जाती थी, चित्र अक्सर पेंट किए जाते थे। अमीरों के लिए बनाई गई किताबों में छपे पन्ने पर हाशिए की जगह बेल बूटों की खाली छोड़ दी जाती थी। हर खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन और पेंट खुदवाकर तय कर उनको वापस संवारते थे, यानी कि जो लिखना है लिख लीजिए, लेकिन मान लीजिए अगर ये आपका बुक का पन्ना है तो यहाँ तक जो आपको लिखना है लिख लीजिए, बाकी यहाँ हमको डिजाइन बनवाना है, क्या करना है वो हम आपको अपने हिसाब से बता देंगे, यानी कि जो बुक को इस समय आपका परचेज करेगा या आपका खरीदेगा। करीब 100 साल तक दरमियान यानी कि 1450 से लेके 1550 तक यूरोप में ज्यादातर देशों में छाप खाने लग चुके थे। जर्मन के प्रेटर और आपके मुद्रक देश में जाकर नए छाप खाने खुले खुलवाया करते थे। छाप खाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पादन का कमाल में बढ़ोतरी हुई। 15वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजारों में 2 करोड़ मुद्रित किताबें आ गईं। यह संख्या 16वीं शताब्दी में
20 करोड़ हो गई। हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक यानी कि मशीनरी की जो प्रिंटिंग थी उसने आकर आपका पूरी क्रांति कर दी। यानी कि आप जहां पर आपका 180 पन्नों की किताब में 3 साल लग गए थे, अब क्या हो गया, वो किताबों की भरमार हो गई थी। और देखिए जो गुटेन ने जो आपकी प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी उसको देखिए कैसे छापता था, वो इस तरीके से लकड़ी के खांचों को रखकर उसको घुमाकर इस तरीके से पूरे पन्ने से कहीं एक पन्ना वो छापता था। क्लियर है, ये आप इसको देख सकते हैं। यानी कि इसके अंदर आपका लकड़ी का जो छाप खाना था वो आपका लगा हुआ था, उसके नीचे वो कागज रखता था, कागज के बाद उसको घुमाता था टाइट करके थोड़े टाइम बाद के पकड़ कर रखता था ताकि छपाई जो है पूरी अच्छी तरह से हो जाए। एग्जाम्पल उसे देखिए, जो कार्ड छपते हैं ना आजकल, वैसे तो आजकल सब आपका मशीन छापती है, लेकिन एक दौर था पहले के समय में जो हाथ से छपते थे कार्ड, इस प्रकार की पूरी मशीनरी आपको दिखाई देगी। क्लियर है, देखिए इसको फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लिया, तो ये उस समय की प्रेस थी और उसका पूरा हिस्ट्री आप लोग देख सकते हैं। और ये उस समय की यूरोप में छपी किताब थी। उसके बाद जब आप क्रांति आई 1500 के बाद, आपका ये आप 1550 के बाद इस तरह की आपका बुक का पन्ना जो है आपका छपने लगा था, ठीक है, यूरोप में। और इस तरह के जो आपके डिजाइन थे या आपकी बुक में जो है वो आपको दिखाई देंगे। और ये इस तरह से कुछ उस जमाने की आपका वर्कशॉप थी, आपका प्रिंटिंग प्रेस थी जो बहुत मॉडर्न तकनीक से बनी थी, और यूरोपन में जो 16वीं शताब्दी के अंतर्गत आपकी मॉडर्न प्रेस जो हमको देखने के लिए मिलती है। इस तरह से कुछ आपकी वर्कशॉप थी उनकी बेसिकली। चलिए आगे बढ़े। आप कह रहे हैं कि मुद्रण क्रांति और उसका असर, जो प्रिंटिंग है उसमें क्या क्रांति हुई और उसका कैसा असर, का मतलब होता है प्रभाव। अब उसके प्रभाव को थोड़ा सा हमको इसमें आपका देखना है। क्या कह रहे हैं, मुद्रण क्रांति क्या थी, छापने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं थी। पुस्तक उत्पादन के लिए नए तरीके ने लोगों की जिंदगी बदल दी। जिस तरह से पुस्तक को छापने के नए तरीके शुरू हुए, उनका जो जीवन है वो आपका बदल दिया। इसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से संस्था और सत्ता से उनका गहरा रिश्ता बदल गया। कैसा हो गया, गहरा रिश्ता। इससे लोक चेतना बदली और बदलाव चीजों में दिखने लगा, और दिखने का नजरिया भी बदल गया। आप देखते हैं जब कोई हमको आपका किसी के लेखक के विचार हमको प्रेरित करते हैं तो हमें वहां उसकी चीजें अच्छी लगने लगती है, और एक वर्ग है जो उसको समर्थन करता है। देखिए कैसे करता है और कैसे इन किताबों से लोगों में ज्ञान और जो आपके क्रांति का दौर है, विचार का दौर है, वो आपका प्रारंभ होता है। आप इसको बड़े अच्छे से इसमें समझने का प्रयास करेंगे। जैसे छाप खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। पाठक मतलब जो एक किताब पढ़ने वाला जो वर्ग है पैदा हो गया। आज भी भारत में कुछ लोग ऐसे हैं, और ये नहीं कि कोई बाप के बड़े हैं, मैंने आपको बच्चों को भी देखा है जो आपके 6 स्टैंडर्ड से उनकी शुरुआत है, 10th से 9th से 12th से, अपने सिलेबस के अलावा वो लोग एक्स्ट्रा बुक पढ़ते हैं ताकि कुछ उनको नॉलेज मिले, पढ़े और सीखें, नई नई बुकों को पढ़ते हैं। कह रहे हैं छपाई से किताबों की कीमतें गिरी, किताबों की जगह हर प्रति में उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वह कम हो गया। यानी कि जितना उत्पादन करने में उसको समय लग रहा था और जितना श्रम लग रहा था वो सब क्या हो गया, आपका कम हो गया। बड़ी तादाद में प्रतियां छपने लगी, प्रति का मतलब जो भी आपके पेजेस हैं, फोटोकॉपियां हैं, वो छपने लगी। बेसिकली बाजार किताबों से पट गई, यानी कि बहुत सारी किताब अब आपका मार्केट में आ गई थी। क्लियर है, पाठक वर्ग को बेहतर बेहतर हो गया, यानी कि बहुत बड़ा वर्ग भी आपका अब किताबों वालों का भी हो गया, पढ़ने वालों का। किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। जो आप किताब पढ़ रहे हो ना बेटा, ये सब
इसी जो हमारी प्रिंटिंग है ना, इसकी देन है। इसलिए हमारी बुक में ये चैप्टर है ताकि हम समझें जो जो हमारे पास आपकी बुक मिली है प्रिंटिंग की, इसका दौर क्या है, इसका इतिहास कैसा है, कितने लोगों ने आपकी समस्या झेली है, कहीं जाकर हमको ये ऐसी बुक मिली है। तो कह रहे हैं किताबों की पहुंच आसान होने की वजह से जो आपका पढ़ने की जो आपके संस्कृति है वो आपका विकसित हुई। तो जो आपका एजुकेशन का चलन है वो कैसे हम तक पहुंचा, ये उसका एक दौर था आपका, और एक इसका बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है आपका प्रिंटिंग का। इसका रहा है प्रिंटिंग का बहुत बड़ा से अहम योगदान रहा। अब तक लोग आम मौखिक संसार में जीते थे। कैसी बोलचाल थी? मौखिक। और जितने भी पहले हमारे हमारे गुरुकुल चलते थे वो क्या थे? ज्ञान कैसा था? मौखिक था। क्लियर है? और इस मौखिक ज्ञान के बाद क्या हुआ, लोगों ने पांडुलिपियां लिखी, लेकिन प्रिंटिंग दौर लगभग 200 साल पहले लिखा गया, 200-300 साल पहले। वे धार्मिक किताबों का वचन सुनते थे, गीत गाथा पढ़कर बाप के सुनाते थे, और किससे भी उनके बोलकर पढ़े जाते थे। ज्ञान मौखिक लेन देन से ही था। कैसे था ज्ञान? मौखिक लेन देन से, यानी कि जिस तरह से आप पढ़ रहे हो ना लिखित, ये कुछ भी नहीं था, ये सब इस प्रिंटिंग की देन है। लोग बाग समूह में दास्तान सुनाते थे। दास्तान का मतलब है कहानी, अपना एक्सपीरियंस, आयोजन देखते थे। आप अध्याय में देखेंगे कि तन्हाई, खामोशी, पढ़ने की आदत नहीं थी। छपी क्रांति से पहले किताबें ना केवल महंगी थी बल्कि उनकी पर्याप्त मात्रा में छपने की असंभावना थी, यानी कि जितनी मात्रा में किताब चाहिए वो हमको मिलेगी भी नहीं। अब किताब समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच सकती थी। अगर पहले की जनता स्रोत ये कहते तो अब किताब का नया पाठक वर्ग क्या हो गया था, अस्तित्व में आ गया था, यानी कि अब आम जनता भी किताब को पढ़ने लगेगी, और इसके बाद आपके न्यूज़पेपर आएंगे। क्लियर है? तब आपको दौर शुरू होगा कि क्रांति में कैसे इन सब ने आपकी मदद की है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिलहाल इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा किसी स्कूल से। चलिए, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे चैट के माध्यम से भेज सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।